हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वी आर क्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज मंचला मर्द गेलअप स्टोरी का 9th एपिसोड लेकर के आए हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और प्यार भरे कमेंट जरूर करिएगा। शुरू से अंत तक बने रहें। कहानी के बाकी के सारी एपिसोड्स की लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज की इस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। मृदुल कंबल समेत आदित्य को उठाकर अपने कमरे में ले गया और आदित्य घबरा सा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके पूछने पर मृदुल ने जवाब के बदले आदित्य को किसी करना शुरू कर दिया, जो कि आदित्य ने कभी सोचा तक नहीं था, उम्मीद तक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ठंड के मौसम में मृदुल के छूने मात्र से आदित्य का पूरा शरीर गर्म हो उठा था। शरीर का रोम रोम मानो फड़फड़ाने लगा हो। आदित्य ने तब मृदुल को ना रोका ना टोका। मौसम कड़ाके के ठंड का था और कंबल बदन से सरक कर कब बाहर जमीन पर गिर गया दोनों को ही पता तक ना चला। मृदुल एक तो रोज जिम जाने वाला चौड़ी शरीरधारी बांका नौजवान, उसने आदित्य को बाहों के बीच फंसा डाला। और ये सब तब हो रहा था जब आदित्य बहुत दुखी था और सारी उम्मीद खोने के बाद वो मजबूर होकर वापस कानपुर देहात उत्तर प्रदेश लौट रहा था। और ऐसे में मृदुल ने आदित्य के साथ वो कर दिया जिसके लिए आदित्य हमेशा से तरसता था, हमेशा से सपने देखता आया था। खैर, चलिए अब हम जानते हैं इस सिचुएशन में आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने पहली बार में जो कुछ भी एहसास किया वो एहसास आपको हम उसी के शब्दों में बयां करते हैं। हमारे होंठ मृदुल के गर्म होठों के बीच दबी हुई थी। बहुत ही गर्म, मुलायम और आनंदित कर देने वाला एक अनोखा एहसास, जो कि समझना और समझा पाना बहुत कठिन सा था। और मृदुल के बदन के पसीने की खुशबू मेरे सांसों में घुलकर मेरे पूरे तन को मदमस्त कर रही थी। हमारी सांसें अचानक बहुत तेज हो गई थी। हमारा मस्तिष्क सुन्न पड़ गया था उस एहसास की वजह से। हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी थी उस एक एहसास ने, और इसी एहसास के लिए हम हमेशा से तड़पते आए थे। एक ऐसा एहसास जो कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। काश ये पल हमेशा यहीं रुक जाता, यहीं ठहर जाता, थम जाता। हम दिल की सुन रहे थे, क्योंकि एक दिल ही था इस वक्त जो सिर्फ अपनी मर्जी चला सकता था। हमारा दिल हर तरीके से हमारे पूरे तन बदन को कंट्रोल किए हुए था। दिमाग तो पता नहीं कहाँ किस कोने में गहरी नींद में पड़ा था, पर जब दिमाग ने अपना होश संभाला हमें याद आया कि ये जो हो रहा वो गलत है, और ये गलत है तभी तो इतना आनंद है इसमें। हमें नहीं पता कि ये कितनी देर चला होगा, क्षणिक कहना भी गलत होगा, क्योंकि हमारी आंखें बंद भले ही थी और हम भले ही किसी दूसरी दुनिया में खो गए थे, पर हाँ, हमारे लिए यह अब तक का सबसे खुशनुमा और खूबसूरत अनुभव था। अचानक हमने खुद से कहा और हिम्मत दिखाई कि सब कुछ तो खो दिया है हमने, अब बस एक ये इज्जत ही तो बची है, क्यों ना इसे लूटने से बचा लें। तो हमने जोर से मृदुल को धक्का दिया, पर जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका था। इससे ज्यादा का ख्याल हमें कभी आता भी न था। सच तो यह है कि हम उसे हमेशा के लिए बाहों में भर के रखना चाहते थे, पर अगर आज हम पिघल जाते तो मृदुल जीत जाता। हमारे धक्का देने पर जो मोह का जाल था हम दोनों के बीच, वो अचानक अब टूट चुका था। हमने होश संभाल लिया था। हमने ऊपरी मन से कहा कि ये सब क्या कर रहे हो? मैं गे हूं इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ भी सो जाऊं और मुंह मारता फिरूं। मृदुल ने ना तो सॉरी कहा और ना ही माफी मांगी।
उसने मेरा लगेज सामान उठाया और सारा सामान निकाल करके मेरे कमरे में बिखेर दिया मेरे बिस्तर पर और बोला कि तू कहीं नहीं जाएगा। अब ये हरामी गुंडागर्दी कर रहा था, इतना घटिया इंसान हम क्या ही कहें। हमने बोला कि काहे तमाशा करवाना चाहते हो, हल्ला करें या सबको बताएं जो तुमने हमारे साथ अभी अभी किया है। मृदुल ने कहा कि तुझे जो करना है कर, जिसे बताना है बता, पर तू इस रूम से बाहर नहीं जाएगा। मैंने सोचा कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, मैंने कॉल करना चाहा, तब उसने मोबाइल छीन ली, दरवाजे के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। हम डर गए और फिर हमने रोना शुरू कर दिया क्योंकि अपने आप ही हमारी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हम रोते हुए बोले कि अगर नहीं जाने दिए तो हम यहीं इसी कमरे में फांसी लटक कर जान दे देंगे। हमारे इतना बोलने पर वो दरवाजे से हटा। उसके हटने पर हमें लगा कि हमारे धमकी से डर गया और कमरे के अंदर वो चला गया अपने। काफी रात हो चुकी थी, हम सोचे थे कि गजल भैया को जाकर सारा कुछ बताएंगे। तब मृदुल अंदर से रस्सी लेकर के आया और बोला कि ये ले, इससे फांसी लगा ले। कितना बेशर्म था वो। पर तू बाहर कहीं नहीं जाएगा, ऐसा उसने कहा। अब हम सर पकड़ कर बैठ गए, इतना गलीज इंसान अपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हमने कहा कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने। मृदुल ने कहा कि तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च तुम्हारे खुद के एक्सपेंसेस मैं दे दूंगा। रुको, एक काम करता हूँ, तुम्हारे फोन से तुम्हारे पापा को अभी फोन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। हमने मृदुल को मना किया कि ऐसा मत करना, इतने रात को उन्हें परेशान प्लीज मत करो पापा को कॉल, वरना बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा, जो करना है दिन में कर लेना। फिर वो बड़ी मुश्किल से हमारा कहना माना। हमें लगा कि हमने जिंदगी खराब कर ली दिल्ली आकर, आज तक हमने इतना बड़ा साइको इंसान नहीं देखा था। हमने कहा कि हम सच में कुछ कर लेंगे मृदुल, हमारा फोन लौटा दो। मृदुल ने कहा कि देखे जरा मोबाइल में क्या क्या रखा है तुमने, फिर ले लेना। हमने बोला दो, एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फोन देखना जरूरी है तो दो, हम खोल के दे देते हैं, हमें क्या धमकी दे रहे हो। हमने लिया फोन उससे और लॉक खोला और दे दिया, लो देखो। वो मुस्कुराने लगा क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा था और हमारे गुस्से से पता नहीं क्यों उसको हंसी आ रही थी, और हमने पहली बार उसे इतने प्यार से मुस्कुराते हुए देखा था हमारी नाराज हो जाने पर। गुलाबी होंठ के बीच मोतियों की तरह चमकते हुए दांत, गालों पर हल्के से गड्ढे, डिंपल्स तो नहीं थे पर हाँ उससे कहीं ज्यादा एट्रैक्टिव वो लग रहा था, आंखों में चमक। अब इस पर हम क्या ही कहें, पिघलना तो नहीं चाहते थे पर पिघल गए। सांप को मुंह लगा लिया था हमारे होठों ने, मतलब सांप को चूम लिया था हमने, बस जहर का असर नहीं था, मतलब जहर का असर होना बाकी रह गया था। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा घटिया और हरामी इंसान हमने देखा था जिस पर कोई भरोसा करके सिर्फ अपनी इज्जत ही गंवाने वाला है। हमारी सुबह ट्रेन थी और हमारा भी मन नहीं था कि हम लौट जाएं। काश पापा हमें माफ़ करके दूसरा मौका दे देते, पर जितना हम अपने पापा को जानते हैं वो अदिति के शादी पढ़ाई दुनियादारी का सोच कर ये सब कुछ कर रहे थे, हमें मालूम है उन्हें हम पर भरोसा ही नहीं था। बहुत रात हो गई थी, लगभग 2 बजने वाले थे। हमने मृदुल से कहा कि ठीक है ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम एक आखिरी बार हमारा फोन हमें लौटा दो, हमें घर पर बात कर लेने दो, एक आखिरी कोशिश कर लेने दो। मृदुल ने फोन दे दिया बिना कुछ कहे और बोला पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती, याद रखना, सोच समझ कर कॉल लगाना। अब उसे क्या पता कि हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करना चाहते थे बल्कि एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। हम इतने रात को अपने बड़े भैया को कॉल किए, वो हमारी हरकतों से परिचित थे पर कभी हमें डांटा नहीं था, कभी ना हमें डांट फटकार लगाई थी और ना ही हमें किसी चीज़ के लिए कुछ कहा था। हाँ हमारी आपसी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे क्योंकि मुझे जलन थी उनसे कि उन्हें ज़्यादा प्यार मिलता है, हम ही उनसे चिढ़ते थे क्योंकि पापा भैया पर ज़्यादा भरोसा करते थे और हमें अलमारी की चाबी भी छूने नहीं देते थे। खैर ये तो पुरानी बातें थी, अब हम बड़े हो गए थे, हम अपने शहर से दूर दिल्ली में थे और हमें लगा कि एक बार भैया से बात करके देखना चाहिए।
हमने भैया को कॉल कर लिया हिम्मत करके। उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव किया और वो सोए नहीं थे उस वक्त, वो शायद पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं पहचानी, इसका भी हमें आज तक दुख है। ना उनके पास हमारा नंबर सेव था। भैया से हम बोले कि हम आदि बोल रहे हैं। भैया ने कहा कि तू इतने रात को हमारे नंबर पर काहे कॉल किया, मम्मी के में नहीं लगा क्या फ़ोन? हम बोले कि भैया प्रणाम सबसे पहले। तो भैया मुस्कुराए और बोले कि खुश रहो, आज चांद किधर से निकला है वैसे, तू हमारा आदि ही है ना, नशा तो नहीं किया तूने, दिमाग उमाग ठीक है, ठिकाने पर है, क्या हो गया? हम बोले कि भैया कोई नशा नहीं किए हैं, बस हम दुखी हैं, आपको तो सब पता है ना, हम बस वापस नहीं आना चाहते हैं। भैया ने कहा कि अच्छा बबुआ, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल तो होगे ही ना, और पापा से कब तक छुपाते ये चीज़ें, पापा को गुस्सा तो जानते हो ना। भैया हमने पैकिंग कर ली है, हमने कहा उनसे, हमने कभी कुछ नहीं मांगा कभी किसी से, ना आपसे ना पापा से ना किसी से भी नहीं, बल्कि हमेशा 10 चीज़ें सुनते आए हैं और बेवजह हमसे नफरत किया गया है, हमारा मन नहीं है लौटने का। भैया प्लीज़ उनसे कहिए ना हमें एक मौका दे दे, हम वापस नहीं आना चाहते, हम पढ़ेंगे मेहनत करेंगे, इस बार भी किए थे पर और ज़्यादा करेंगे, पर हम वापस नहीं आना चाहते। हम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। भैया ने कहा कि अभी रात है, तुम आराम करो, और हाँ हम पापा से बात करेंगे तुम्हारे खाते। अब भैया से बात करके फ़ोन मृदुल को वापस कर दिया हम। मृदुल सब सुन रहा था हमारी बातों को। मृदुल ने मोबाइल हमारे बेड पर फेंका और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सारा तमाशा उसने देख लिया था और खुद भी किया था। कुत्ते ने हमें किस करके इतना अच्छा फील कराया और ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। खैर, मोबाइल फेंक कर चला गया वो। मेरा दिल उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। इतने घटिया इंसान की तरफ पता नहीं क्यों मेरा दिल बहका जा रहा था। पर हम जानते थे कि ये सब भ्रम है, ये महामूर्ख इंसान है। काश काश हमारा वो जिनसे हम बात करते थे, वो हमारा मनचला मर्द फट्टू ना होता ना, तो हम क्या कहें, डेटिंग ऐप के बाहर भी उसके साथ ही होते। ना उसने फोटो दिखाई, ना बातें की, ऊपर से कह दिया कि वो हमें जानता है, हम समझ ही नहीं पाए कि कौन है। खैर, अब हमें जानना भी नहीं कि वो कौन था, क्योंकि जब हम दिल्ली में रहेंगे ही नहीं तो दिल लगी ही क्या करेंगे। हम भैया से बात करके सोने चले गए। सोते वक्त बस मृदुल का ये किस याद आ रहा था जो उसने अभी अभी हमें किया था। सपने में भी हम वही सब कर रहे थे, और हमारी जब आँख खुली हमने देखा कि हमारे कमरे में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। आँख ठीक से जब खोली तो मृदुल डिप्स मार रहा था, वर्कआउट वहीं कर रहा था। वो डंबल्स भी वापस हमारे कमरे में ले आया था। हमने सोचा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, शायद ये हमें वापस लौटने से रोकने के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखा था। हमारा फ़ोन बजने लगा और कॉल मम्मी का था। हमने दुखी मन से कॉल उठाया, तब मम्मी ने कहा कि निकल तो नहीं गया वहाँ से? हमने कहा नहीं मम्मी। तब मम्मी ने कहा कि तेरे पापा और भैया की आपस में सुबह से बहस हो रही है तेरे लिए, और अब वो मान गए हैं, पर बेटा ये आखिरी मौका है, तू पढ़ाई पर ध्यान देगा तभी वो उनका ये मेहनत सफल होगा तेरे भैया का। अब हम खुशी से झूम उठे और फाइनली हमारा ये जो कॉल करना था रात को वो काम आया, और हमने मम्मी की बात मान ली और लगातार हमने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। हम खुशी की वजह से भावुक हो गए, पर मृदुल के प्यार में हमारा दिमाग पगलाता जा रहा था। प्यार था या आकर्षण अभी तक तो नहीं पता था, पर पता नहीं क्या ही किया था उसने उस रात को। उसने हमें जिस दिन से किस किया था ना, हमारे अंदर उस बेवकूफ इंसान के लिए हस्बैंड वाली फीलिंग्स अपने आप डेवलप हो रही थी, पर मृदुल के बिहेवियर की वजह से मन उसकी तरफ से बार बार हट रहा था। बहुत कंफ्यूज्ड थे हम। हमारे ऊपर घर वाले ने एहसान किया था हमें मौका देकर, इसलिए हमें उनकी खातिर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना था। हमारा मन पढ़ाई के साथ बाकी चीज़ों में भी लगता था। हम अपने भैया के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने पापा को समझाया और वो मान गए। हमारे यहाँ रुकने की ये जो वापस ना जाने की खबर जो थी वो गज़ल भैया और लव जीजू तक पहुँची। वो बहुत खुश हुए और हम सभी साथ में डिनर करने गए, बहुत सारी बातें हुई और सब कुछ सॉर्ट होने लगा। तभी हमने गज़ल भैया को मौका देख करके मृदुल का हमें किस करने वाली सारी बात बता दिए थे।
भैया ने हमें कहा कि इसमें तेरा कोई लफड़ा तो नहीं ना मेरे दुल के साथ, जो उसने तुझे बेवजह ऐसे किस कर लिया। हमने भैया को बताया कि उसने किस किया और हमें जाने से रोका उसने, ये क्यों किया उसने भैया। तब गजल भैया ने हमारी खातिर मृदुल से इस बारे में बात किया। तब उस बकलोल मृदुल ने अपनी अमीरी पटक दी और गजल भैया से कहा कि उसे चूमने का कोई शौक नहीं है मुझे, बस कल जब रो रहा था तो मुझसे देखा ना गया। गजल भैया ने कहा कि और भी तरीके होते हैं समझाने और समझने का। मृदुल ने कहा कि उसकी पढ़ाई रुक रही थी, इसकी जगह कोई और भी होता ना तो भी मैं यही करता, उसकी पढ़ाई में हेल्प करता। मृदुल की बात सुनकर अच्छा महसूस हो रहा था, पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ये इतना अच्छा बन रहा है या क्या है। तब गजल भैया ने हमें बताया मृदुल के बारे में कि दिमागी तौर पर ऐसा हो चुका है, वो ऐसा नहीं था पहले। उसने अपना प्यार खोया है और शायद वो तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखता है। तब मैं गजल भैया से बोलने लगा कि उसकी कहानी आपने उस दिन बताई नहीं थी पूरी। खैर भैया, मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था ज़्यादा, पर हाँ आपने आधी ही स्टोरी सुनाई थी। तब गजल भैया बोले कि अभी सुनेगा। तब हमने कहा कि भैया अभी तो नहीं सुनेंगे, पर हाँ क्योंकि अभी सुनेंगे तो हो सकता है हमारा मन उस पे बार बार जाए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो प्लीज़ भैया मेरा एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, मेरे बैकलॉग्स क्लियर हो जाने दीजिए, फिर चलेगा, मैं तब सुनना चाहूँगा। तब गजल भैया ने कहा कि हर बार अगर तू ऐसे ही करेगा तो स्टोरी सुन ही नहीं पाएगा उसकी, और मैं थोड़ा बेटर होऊंगा, तुझे ये कहानी सुनाने के लिए और भी काम है मेरे पास। खैर चलो ठीक है, तेरी खातिर मैं इंतज़ार कर लूँगा तुझे बताने के लिए। वैसे हमें इनकी कहानी जानने में कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, पर जैसी हरकत आज हमारे साथ हुई थी, हमारे लिए समझना ज़रूरी था कि आखिर मृदुल हमसे क्या चाहता है। हमने गजल भैया से बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाकर उन्होंने वादा किया कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे। हम तो मन ही मन अपने डेटिंग ऐप वाले मनचला मर्द को तलाशते रहते, उसको मिस करते और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते। अब हमने मृदुल और अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया, और अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि आखिर मृदुल के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे वो आज तक निकल नहीं पाया और किसी से ना ठीक से बात करता है, ना हंसता है, ना मजाक करता है। आज के लिए दोस्तों तो बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो इससे भी बेहतर होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव, नीले का ढेर सारा प्यार, थैंक यू।